बल्लभगढ़ नगला रोड स्थित रावल इंटरनेशनल स्कूल में 360 एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन की ओर से मॉडलिंग फैशन शो के सेकंड ऑडिशन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में रावल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल कोमल ग्रोवर, गौरी अरोड़ा, रश्मि खेतपाल, सोनिया चौधरी, संदीप, रिम्पी गुप्ता व सीमा गुम्बर ने शिरकत की। इस मौके पर सभी अतिथियों का 360 एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन के डायरेक्टर मोहित अरोड़ा ने उपहार देकर सम्मानित किया। मॉडलिंग समारोह में 2 से 16 वर्ष के 165 बच्चों ने भाग लिया। आयोजक मोहित अरोड़ा ने बताया कि सेकंड मॉडलिंग प्रतियोगिता में 2 साल से 16 साल के बच्चों का कंपटीशन हुआ। समारोह में चुने गए बच्चों को थर्ड ऑडिशन में एजुकेशन किट उपहार और कैश प्राइज देकर सम्मानित किया जाएगा। देखिए जी, आप सब देख ही रहे हैं, आज के चलते हुए फैशन के दौर में जैसे सभी को एक मंच चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो हम लोग बच्चों को एक मंच प्रोवाइड करके दे रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी टैलेंट है, उनके अंदर हर एक स्कूल के साथ हमने टाइप किया, तो उन बच्चों को टैलेंट उनका आगे स्टेज पर लेकर के जाने के लिए, देन उनको एक बड़े लेवल पर स्टेज देने के लिए हम बच्चों को जैसे प्रोडक्ट शूट दे रहे हैं, बच्चों को और भी वीडियो शूट दे रहे हैं जिनमें बच्चों का और इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आगे फ्यूचर में उनका जो लाइफ है उनकी लाइफ ब्राइट हो। 2 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों की एज उम्र है और उसमें हम लोग 3 ग्रुप रखे गए हैं बच्चों के, 2 साल से 5 साल तक के, 6 साल से 10 साल तक के और 11 साल से 15 साल तक के। इस दौरान रावल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सीवी ने बताया कि बचपन से ही बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने से ही उनके अंदर छुपी ताकत को पहचान पाते हैं। उन्होंने बताया कि मॉडलिंग जैसे प्रोग्राम में भाग लेने वाले बच्चे हमेशा तरक्की करते हैं। सबसे पहली बात है, बच्चों की जो लर्निंग है वो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बच्चों की लर्निंग फॉर द लाइफ भी होनी चाहिए। तो बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें लगभग 200-300 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये पूरे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए ओपन है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले और वो अगले आने वाले जीवन में इसको एज ए करियर भी अपना सकें, उनको एक्सपोजर मिल सके। मोहित अरोड़ा ने बताया कि बच्चों को बढ़ावा देने के लिए मॉडलिंग ऑडिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बच्चे अपनी प्रतिभा को पहचान कर वे अपनी सफलता हासिल कर सके। उन्होंने बताया कि ऑडिशन में भाग लेने वाले बच्चों में से अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को 3 ग्रुपों में चुना जाएगा। उन्होंने बताया कि फाइनल ऑडिशन में चुने गए बच्चों को एजुकेशन किट, मेडल, सर्टिफिकेट और 11,000 रुपये कैश प्राइज देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। सर, हम 2 दिन की वर्कशॉप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, जिसमें बच्चों का सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें बच्चों को खाने पीने का पूरा, उनका मैनेजमेंट का प्रॉपर सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग बच्चों को जो चीज़ों की ज़रूरत है खाने की, पीने की, उनकी सेफ्टी की, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि हम लोग ये शो प्लान